ठीक है अभी तक टाइम है, ठीक है आने के इंतजार करते हैं। देख लीजिए ये महाराज को मिजा करके और नाथ भी गायब करना चाहता था। अच्छा तू इतना बड़ा गद्दार निकला, इतना बड़ा गद्दार निकला कि जिस पत्थर देखा था उसे चुरा कर दिया। ये आपको गलतफहमी है, गद्दार खूनी कौन है वो आपके सामने और महाराज मेरे पिता का समान थे और खून करने वाले ये दोनों दरिंदे हैं। महाराज को गद्दार बन जाता
और आज महाराज को मार कर दिया और इनकी दांत को छुपा लेना चाहता था। अगर बच्चे जी नहीं पहुंचे तो आज मैं अपनी स्वामी जी के दांत नहीं पाती। महाराज महारानी कथा कि आप इस संसार महाराज क्लास भी गया। महारानी जी ये दुनिया के दिखावा है। ये महारानी अलका इसे 25 तरह मानते हैं, बल्कि ये महारानी अलका कहने पर ही महाराज को कदम रखते ही अपने पति को इस दुनिया से निकलवा दिया। महाराज दुनिया से निकलवा दिया, लेकिन अभी महारानी अलका है तुम लोगों की नजर में वो दासी है, लेकिन वो दासी नहीं, वो प्रेम नगर रियासत की महारानी है। अगर महारानी की तरफ किसी ने आंख उठाई तो मैं उसकी आंखें निकालूंगा। महारानी दमयंती हवेली में कदम रखते ही महाराज को दुनिया से मिटवा दिया। इतना बड़ा धोखा कमीनी, जिस थाली में खाया उसी में सुराग किया। हो जाए।
और ढंकों के साय में लेकर महारानी अलका की झांकियां छकूंगा और कर्म सिंह मैं तुझे महाराज की खुल के जाम में मौत की सजा दिला करूंगा। गोली चलाते सारे ढोल ले चमकते हो, गोली होके खत्म हो गए। तेरे पास कितनी गोलियां बची? तुम्हारे लाल तू है दोनों का काम। अब तो मेरी भी गोलियां खत्म हो गई। बहुत गोली है। खत्म। एक भी गोली नहीं बची। एक कम ना सब। अभी सारा निकल गया है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो खतरा हो सकता है। क्या फिट रहेंगे, एक इतराज करेंगे और एक दिन से अपनी हीरा समझेंगे। मंत्री जी गए और चर्चन सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। महारानी जी, क्या हुआ? बाहर नहीं, मैंने अर्जुन सिंह का पीछा किया और बाहर को लोहारोह खर्च करने के बाद फिर वो मेरे हाथ से निकल गया है और सारी कमी इसकी है, इसी की तरफ से वो चकवा देकर निकल गया। मंत्री जी और सेना पर अर्जुन मैं रास्ते का रोड़ा कभी ना, अगर वो जिंदा रहा तो मेरे रास्ते में कांटा बनने की कोशिश करेगा। जितना गोला बारूद रखे, जितने भी हथियार रात भर से सिपाहियों को जितनी जरूरत हो हिरासत में होगा और एक दिन आपके कदमों पे लाकर खाली करूंगा। जा रहा हो बहुत जल्द लेकर सिपाही। अब तुम एक काम करो, सुनो, यहाँ से जाओ दासों के पड़े में, जहाँ पे अलका रानी को रखी वो कुकुर को लेकर आओ हमारे पास। उसको आप देखो, लेकर आओ। दुनिया
दुनिया के दिखावा में अच्छे लगते। दोस्तों, मुमताज अली भटनोसा चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप हमेशा हमारे चैनल बने रहें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपने मेहनत करके अपने चैनल पे डालें वो आपको सबसे पहले देखने को मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियो देखना हो तो आप मुमताज अली भटनोसा चैनल पे जा करके और आप देख सकते हैं। आपको हम देखने का तरीका बता रहे हैं, YouTube को माइक, YouTube पर जा करके माइक पे बोलिए मुमताज अली भटनोसा चैनल। जब आप मुमताज अली भटनोसा चैनल बोलेंगे तो हमारा वीडियो खुल जाएगा और हमारे सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इसी कड़ी में हम आप प्रोग्राम की जानकारी देंगे अपने सेकंड चैनल मुमताज अली भटनोसा चैनल पर। दोस्तों, 11 अप्रैल दिन मंगलवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी मैं अपने सेकंड चैनल मुमताज अली भटनोसा चैनल पर डालने जा रहा हूं। दोस्तों, 11 अप्रैल दिन मंगलवार सन 2023 का हमारा जो प्रोग्राम है ये फतेहपुर ज़िले में होगा। फतेहपुर ज़िले के अंदर एक गांव है रिकहुआ, पैगंबरपुर रिकहुआ है और वहीं का एक मेला लगता है रिकहुआ में, बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है और उसी मेले में हमारी पार्टी को बुलाया गया है, हमारी पार्टी का कार्यक्रम होगा। दोस्तों, गांव रिकहुआ है और पोस्ट पैगंबरपुर रिकहुआ है, थाना हदगांव है, ब्लॉक हदगांव है, तहसील खागा है और ज़िला फतेहपुर है। हमारे घर मालिक साहब हैं जिनका नाम है राहुल डीजे, घर मालिक नहीं बल्कि मेला मालिक हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारी कंपनी मेले में कार्यक्रम करने के लिए जा रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल डीजे वाले हैं, इनका रोड लाइट सब कुछ है, साउंड सर्विस है। तो इन्हीं के माध्यम से हमारी कंपनी का प्रोग्राम वहां पर होने जा रहा है रिकहुआ गांव में। मैंने आपको पूरा एड्रेस दे दिया है कि गांव रिकहुआ है, पोस्ट पैगंबरपुर है, पैगंबरपुर रिकहुआ है, थाना हदगांव है, ब्लॉक हदगांव है और तहसील खागा है, ज़िला रायबरेली है। तो आइए, हम आपको नंबर दे रहे हैं अपने आदमी राहुल जी का ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई किसी भी ज़िले से अगर आप आना चाहते हैं, हमारी कंपनी को देखना चाहते हैं तो आप रास्ता ना भूलें, ना भटके, इसके लिए हम नंबर दे रहे हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 8007921847, मतलब 8009721847, ये नंबर है। इस नंबर को नोट, ये राहुल जी का नंबर है, इसको नोट कर लीजिए और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो इसी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तो आइए, हम आपको दूसरा नंबर दे रहे हैं ताकि आप, हो सकता है ये नंबर उस समय रिसीव ना हो सके तो परेशानी हो सकती है, इस लिहाज से हम आपको दूसरा नंबर दे रहे हैं। दूसरा नंबर है 6387601796, मतलब 6387601796, ये दोनों नंबर है। दोनों नंबरों को नोट कर लीजिए और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो आप किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप इसी नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, आराम से हमारे प्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं, मेले में पहुंच करके हमारे रात में हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 11 अप्रैल दिन मंगलवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी देने का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पुनः अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें, नई से नई वीडियो अपलोड करें, वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।